पांचवी बड़ी खबर आज की यह है कि सुषमा स्वराज के विरोध को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने कर्नाटक के नेता श्री रामुलु को पार्टी में शामिल कर लिया है। नाराज सुषमा ने ट्वीट कर ये साफ किया कि इस फैसले में उनकी सहमति नहीं है। शुक्रवार को बेंगलुरु में तामझाम के साथ बीएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्री रामुलु को बीजेपी में शामिल किया गया तो सुषमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पहले से ही श्री रामुलु का विरोध कर रहे सुषमा स्वराज ने तमतमाकर ट्वीट कर दिया। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बी श्री रामुलु को मेरे कड़े विरोध के बावजूद पार्टी में वापस लिया गया। इधर बीजेपी में श्री रामुलु पर झगड़ा बढ़ा तो विरोधी दलों ने हमला बोल दिया। बीजेपी बैकफुट पर आ गई, लेकिन पुराने कांग्रेसी जगदम्बिका पाल बीजेपी के बचाव में खड़े हो गए। वो उनकी वास्तविक चिंता है यह केवल ढाका मूंदी करने की कोशिश है? पर मैं ये मानता हूं कि अगर सार्वजनिक रूप से वो ये बात कह रही हैं, तो बहुत कुछ और भी हो रहा होगा अंदर जिसके बारे में अभी भी वो खामोश है। देखिए, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया या नहीं किया मैंने देखा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पार्टी एकजुट है और कुछ लोगों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी एकजुट है। लोकतांत्रिक पार्टी में अपनी राय रखता है आदमी और फिर उस राय से मुद्दों पे अलग, दूसरों से अलग भी राय होती है, लेकिन फिर पार्टी अपना एक फैसला करती है। ये हर लोकतांत्रिक पार्टी की प्रक्रिया है। अब ये समझिए कि आखिर सुषमा को श्री रामुलु का विरोध क्यों करना पड़ा। श्री रामुलु जनार्दन रेड्डी के खास माने जाते हैं। श्री रामुलु जनार्दन रेड्डी के खास माने जाते हैं। दोनों कभी सुषमा स्वराज के बेहद करीबी थे। जनार्दन रेड्डी के अवैध उत्खनन में फंसने के बाद सुषमा ने इनसे अपने संबंध खत्म कर लिए। श्री रामुलु का कर्नाटक के वाल्मीकि समाज में अच्छा खासा असर है। बीजेपी को उम्मीद है कि श्री रामुलु बेल्लारी, कोप्पल, गड़क और चित्रदुर्ग सीट पर फायदा पहुंचाएंगे, जो कि मिशन 272 में मदद कर सकता है। बीजेपी बेल्लारी से श्री रामुलु को लोकसभा का टिकट दे सकती है। मिथिलेश कुमार के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे कुमार विश्वास की अमेठी में कैसे बढ़ी मुश्किलें। आप कहीं मत जाएगा।